मनमोहन सिंह जी ने अपने देश की आर्थिक स्थिति को तभी मजबूत रख पाए थे क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि हमारे हर व्यक्ति के पास कैश होता है और ये वो काला धन और वो क्राइम वाला काला धन नहीं है। वैसे ही एक घर में जब एक पति कहता है कि मेरा बिजनेस ठप हो गया है, मेरे को घर गिरवी रखना पड़ेगा, तो पत्नी या माँ के रूप में एक महिला कहती है कि मेरे पास तुम्हारे ही पैसे चुराए हुए हैं, फिक्र नहीं करो, घर बच जाएगा। तो क्या वो प्लीज क्या वो काला धन था? मैं आपसे पूछती हूँ, हमारे कहूंगी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर आपने देखा 90 साल की माँ को लाइन में खड़ा कर दिया है। बहुत से बेटे हैं, मैंने 4,000 रुपया लाइन में। इसके अलावा बाबा रामदेव जी ने भाषण दिए थे, नरेंद्र मोदी जी का चुनावों में समर्थन किया था, काला धन आएगा और 15 लाख आएगा सबके खाते में। हम इसी देश का इंतजार कर रहे थे, जब मोदी जी घोषणा करने लग गए मुझे लगा शायद काला धन वापस आ गया और सबके खातों में अब 15 लाख आने वाला है। लेकिन अध्यक्ष जी होता क्या है, अभी एक अलवर की वीडियो जो है वो क्लिपिंग चल रही है किसी न्यूज चैनल की, उसमें बाबा रामदेव अलवर राजस्थान का कोई उपचुनाव होना है, उसके उम्मीदवार है चांदनाथ, प्रत्याशी है, उनके प्रचार में गए तो उनको भूल गए कि मेरे सामने माइक और कैमरे लगे हुए हैं। जो भाजपा के प्रत्याशी चांदनाथ हैं, वो बाबा रामदेव जी के कान में कहते हैं अरे बड़ी मुसीबत आ गई, मेरा भी पैसा पकड़ा गया। ये उनके शब्द हैं। किसी ने कहीं से पैसे लाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, हमारे पकड़े भी गए। अब बाबा रामदेव जी क्या कहते हैं, उनका हाथ पकड़ते उन्हें चुप कराते, ये बात यहां बंद करो, बावले हो गए हो, यहां मत करो, फंस जाओगे। ये क्या सच्चाई है? क्लिपिंग चल रहा है लेकिन मीडिया नहीं दिखा रहा उसको। उसके ऊपर बाबा जी से नहीं पूछा जा रहा किसका कौन सा पैसा पकड़ा गया। 1 करोड़ लेके आया और कहा कि भाई गांव के मुखिया को कि 1 करोड़ वाइट करना है, 80 मुझे दे देना, 20 को सेट कर दो। सारे गांव के लोग बैठ गए, कहा भाई ऐसी बात है कि 20 लाख हम लोग को मिल जाएंगे और 80 उनको देना है। सारा गांव मान गया क्योंकि मिनिस्टर साहब गांव के लोग बेईमान नहीं होते, और जब इतना करप्शन है तो लोग कहते हैं भैया मुझे जनधन में 5,000 मिल रहा है, 80 लाख निकाल के दे देंगे, 20 लाख हम सब बांट लेंगे। तो जनधन अकाउंट में भी ऐसे वाइट हो गया और आप कुछ नहीं कर पाओगे। खुलासा है कि 500 करोड़ रुपया बिल्लेरी ब्रदर, रेड्डी ब्रदर, भाजपा के लीडर जो है नेता 500 करोड़ रुपया अपनी बेटी की शादी पे खर्च करना चाह रहे हैं। क्या इसकी कोई जांच करेगा कि ये 500 करोड़ रुपया जो शादी पे उड़ाया जाएगा ऐसे माहौल में, वो कहां से आया? वो कैश है, बैंकों से आया कैश है, तो कब और कौन से बैंकों में ये बदला गया? अध्यक्ष जी इसकी कोई जानकारी अगर आप मांगेंगे तो आपको देशद्रोही कहा जाएगा। अध्यक्ष और बहुत से चैनलों ने स्टिंग ऑपरेशन भी की, किस तरह से रातों रात काला पैसा जो है वो सोनहारों की दुकान पर पहुंचा, सोनहारों ने कैसे जो है काला धन स्वीकार करते हुए किस तरीके से काला धन लेकर सोना बेचा है, इसका खुलासा हुआ। अध्यक्ष जी हवाला के थ्रू कैसे पैसा हो रहा है, जाली नोट आ चुके हैं, बिल्कुल इसकी चिंता जो है वो इनको नहीं हो रही है। अगर आप प्रश्न करेंगे तो आपको देशद्रोही कहा जाएगा।